आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ राजमा और चावल की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। राजमा और चावल एक लंच को कंप्लीट करने के लिए अपने आप में ही एक बहुत ही फिट रेसिपी है, तो आप जब मन चाहे अपने लंच में राजमा चावल ज़रूर बनाएं। और चावल आप देख सकते हैं एक एक दाना खिला हुआ है। चावल को कुकर में किस तरीके से बनाएं ये भी मैं आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करें। वेलकम बैक टू माई चैनल एंड यू आर वॉचिंग CCC क्रिएटिव क्राफ्ट्स एंड कुकिंग बाय प्रिया। फॉर मोर रेसिपीज सब्सक्राइब नाउ। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाना है राजमा। उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है कुकर। कुकर में मैं ऐड कर रही हूँ सरसों का तेल। हम जो रेसिपी बनाएंगे बहुत ही हेल्दी तरीके से बना रहे हैं, इसलिए मैंने सरसों का तेल यूज़ किया है। आप चाहें तो घी या फिर और किसी तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 से 1.5 चम्मच जीरा। आप देख सकते हैं जीरा क्रैकल यानी कि चटकने लगा है। उसी स्टेज पर मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 2 प्याज और 1 हरी मिर्च, जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है चॉपर की सहायता से। अब हम प्याज को थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट होने तक पकाएंगे। जब तक प्याज अच्छे से पक रही है तब तक मैं एक टमाटर भी चॉप कर लेती हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि प्याज अच्छे से पक चुकी है और इसने हल्का हल्का सा ऑयल रिलीज करना स्टार्ट कर दिया है। उसी स्टेज पर मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी हींग। हींग को स्टार्टिंग में ऐड ना करें, अदरवाइज हींग के जलने का डर रहता है। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा लहसुन और अदरक का पेस्ट। अगर आपके पास अदरक और लहसुन का पेस्ट नहीं है तो आप लहसुन और अदरक को बारीक बारीक कट करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्याज, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक अच्छे से पक चुका है। इस स्टेज पर मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 टमाटर, जिसको मैंने बारीक बारीक चॉपर की सहायता से ही चॉप कर लिया है। आप चाहें तो इसको थोड़ा रफली भी चॉप कर सकते हैं और चाहें तो इसकी ग्रेवी भी बना सकते हैं। अभी हम टमाटर को 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे। जब तक टमाटर पक जाएगा उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ऐड किया है 1 स्पून हल्दी, ताकि राजमा में कलर काफ़ी अच्छा आ जाए। उसी के साथ राजमा के टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैंने ऐड किया है 1 स्पून छोले मसाला, नमक स्वाद अनुसार, 2 चम्मच मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ सूखा धनिया पाउडर। ये धनिया पाउडर मेरे घर का पिसा हुआ है, इसका टेस्ट अलग ही आता है। जो मार्केट का धनिया पाउडर मिलता है उसका इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। उसी के साथ ऐड किया है थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर। अब बारी आती है इन सभी मसालों को आपस में मिक्स करने की। तो मैं स्पैचुला की सहायता से सभी मसाले आपस में मिक्स कर देती हूँ और इसको अब हम लगभग 3 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च ये सभी मसालों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं और एक बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी हमारी तैयार हो जाए। जब तक ग्रेवी तैयार हो रही है तब तक मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पर एक रात पहले राजमा भिगोकर रख दिए थे, जो कुछ देखने में इस तरीके से दिख रहे हैं। अब मैं इसको 2 से 3 बार अच्छे से साफ पानी से वॉश कर लेती हूँ और वॉश करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं राजमा कुछ इस तरीके से आ जाता है। राजमा जब भी बनाएं तो एक रात पहले ज़रूर भिगो कर रखें, ताकि ये अच्छे से पक जाए। अब मैं राजमा को इस ग्रेवी के साथ ऐड कर दूंगी, आपस में मिक्स कर दूंगी। अगर आपको लगे कि नमक कम है तो आप थोड़ा सा नमक और इस स्टेज पर ऐड कर सकते हैं। सभी मसाले और राजमा मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको लगभग 3 से 4 मिनट तक ऐसे ही पकने दूंगी, ताकि राजमा के अंदर सभी मसाले अच्छे से मर्जअप हो जाएं और उसके अंदर एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। इसके बाद हम राजमा में पानी ऐड करेंगे। तो जब भी आप राजमा बनाएं तो ध्यान रखिए, राजमा या छोले बनाते समय पानी थोड़ा ज़्यादा ही लगता है, तभी राजमा अच्छे से पक जाता है। तो मैं यहाँ पर 1.5 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ और कुकर की लिड लगाने के बाद 2 विसिल हाई फ्लेम पर लूंगी और बाकी की 3 विसिल लो फ्लेम पर लेने के बाद टोटल 5 विसिल्स हम लेंगे और फिर देखते हैं राजमा कैसा बना है। जब तक राजमा बन रहा है तब तक मैं आपको दिखाती हूँ कि चावल किस तरीके से बनाए हैं। चावल बनाने के लिए मैंने चावल को 1 घंटा पहले भिगोकर रख दिया था। अब उसके बाद 3 से 4 पानी से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद कुकर में खिला खिला चावल कैसे बनाएं ये मैं आपको सिखा रही हूँ।
चावल को आप ऐड कर दीजिए एक कुकर में। जब भी आप चावल कुकर में बनाएं तो आपको मेजरमेंट यानी कि जो इसका एक नाप होता है उसका बहुत ध्यान रखना होता है। इसलिए मैंने नाप कर एक गिलास से चावल भिगो कर रखे हुए थे। जिस गिलास को भरकर आपने चावल भिगोए हैं, मैंने यहाँ पर एक गिलास चावल भिगोए थे, तो उसी सेम गिलास से मैं डेढ़ गिलास पानी इन चावल में ऐड करूंगी। मीन्स आपको डेढ़ गुना पानी ऐड करना होता है। अगर आपने एक गिलास चावल भिगोए हैं तो आपको डेढ़ गिलास पानी ऐड करना है और लिड लगाने के बाद आपको एक विसिल हाई फ्लेम पर लेनी है और बाकी एक विसिल लो फ्लेम पर लेनी है। मीन्स जैसे ही एक विसिल आ जाए तब आप फ्लेम को लो कर दीजिए और इसको एक विसिल लो फ्लेम पर लेने के बाद फ्लेम को ऑफ कर दीजिए। जब तक चावल पक रहे हैं तब तक हम एक बार चेक कर लेते हैं कि राजमा बना है या नहीं। यहाँ पर मैं लिड खोलकर देख रही हूँ, टोटल 5 विसिल्स में ले चुकी हूँ और राजमा को अच्छे से चलाया, लेकिन आप देख सकते हैं कि राजमा 2 फिंगर्स के बीच में प्रेस करने पर पक नहीं रहा था, तो मैं इसको अगेन 3 विसिल्स और लूंगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि राजमा नहीं पकता है तो एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि जब भी अगर आपको ऐसा लगे कि राजमा नहीं पक रहा है तो एक पिंच खाने वाला सोडा इसमें ऐड कर दीजिए और उसके बाद 3 विसिल्स लीजिए यानी कि 3 सीटी लगा लीजिए, फिर आप देखेंगे कि राजमा बहुत ही अच्छे से पक जाता है। तो अगेन मैंने 3 विसिल्स ली हैं और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि राजमा किस तरीके से पका है। अब मैं अगर इस राजमा के दाने को 2 फिंगर्स के बीच में प्रेस कर रही हूँ तो परफेक्टली प्रेस हो रहा है, इट मीन्स कि राजमा अच्छे से पक गया है। उसके बाद आप इसमें ऐड कीजिए थोड़ा सा हरा धनिया, साथ में थोड़ा सा नींबू जरूर ऐड कीजिए। राजमा हो या छोले हो, नींबू ऐड कर देते हैं तो टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और थोड़ा सा इसे स्पैचुला की सहायता से घोट दीजिए ताकि ग्रेवी आपकी थिक हो जाए। तो इस तरीके से आपका ये राजमा बनकर बिल्कुल तैयार है और आप देख सकते हैं कि ये कितना ज्यादा डिलीशियस लग रहा है ना। तो एक लाइक तो बनता है, जल्दी से लाइक कीजिए। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि जो हमने चावल बनने रखे थे वो किस तरीके के बने हैं। लुक एट दिस, 2 विसल्स आने के बाद चावल आप देख सकते हैं एक एक दाना खिला हुआ है और नीचे कुकर में लगे हुए भी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। तो ये तरीका है खिले खिले चावल कुकर में बनाने का। अब बारी आती है इसको सर्व करने की, तो जल्दी से हम चावल को सर्व कर देते हैं क्योंकि चावल और राजमा साथ में बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप देख सकते हैं चावल का एक दाना खिला हुआ है, थोड़ा सा हरा धनिया आप चावल के ऊपर भी गार्निश कर दीजिए और फिर इसको सर्व कीजिए गर्मा गर्म राजमा के साथ। तो कैसा लगा आपको आज का ये राजमा चावल की रेसिपी, ये लंच रेसिपी? अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स करके जरूर बताइए आज का राजमा चावल आपको कैसा लगा। आपके कमेंट्स का मैं इंतजार करूंगी। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग रेसिपीज के साथ। अंटिल देन टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल।